नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दुनिया भर में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 5.5 लाख, कुल मामलों की संख्या 1.2 करोड़ होने वाली है। भारत में भी मरने वालों और मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने तय कर दी है स्वदेशी वैक्सीन जारी होने की तारीख 15 अगस्त। इसको लेकर देश भर में वैज्ञानिक चिंतित हैं और वो कह रहे हैं कि ये अव्यवहारिक है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि ICMR प्रधानमंत्री को खुश करना चाहता है, इसलिए 15 अगस्त की तारीख तय की है, ताकि उस दिन वो लाल किले की प्राचीर से इस बारे में घोषणा कर सकें। अब मुश्किल दौर है तो ऑप्टिमिस्ट होना, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, वैक्सीन काम कैसे करती है, वैक्सीन कितने चरणों में बनती है, WHO की नजर किन कोशिशों पर है और इस दौड़ में अब तक कौन है सबसे आगे, आज इसी पर हो बात। भारत की चर्चा करेंगे आगे, पहले बात शुरुआत से। WHO को खबर आई कि चीन के वुहान शहर में तेजी से फैल रहा है एक वायरल निमोनिया। इसकी वजह क्या है, तब तक इसकी जानकारी नहीं थी। और फिर आई एक बड़ी खबर चीन से, SARS-CoV-2 वो कोरोना वायरस है जिससे COVID-19 होता है। COVID-19 के जेनेटिक सीक्वेंसेस 11 जनवरी 2020 को चीन ने WHO को भेजे। तब से दुनिया भर की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां, साथ में नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज जुटी हैं एक दौड़ में, दौड़ COVID-19 की वैक्सीन के लिए। और ताजा जानकारी के मुताबिक WHO की नजर में 140 उम्मीदवार हैं इस दौड़ में। और अब बड़ा सवाल कि वैक्सीन काम कैसे करती है और कितने चरणों में बनती है, ये समझ लें जरूरी है। वैक्सीन कमजोर किए गए बैक्टीरिया या वायरस या उसके शरीर के टुकड़े से बनती है। वैक्सीन शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है, बचाव करने का जो सिस्टम होता है शरीर का, उसको एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करती है। ये एंटीबॉडीज फिर उस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि दवा दी जाती है बीमार को, वैक्सीन स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है, इसीलिए इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। वैक्सीन कुल मिलाकर 4 चरणों में बनती है। पहला चरण प्री क्लिनिकल स्टेज, इसमें ये जानवरों को दी जाती है और देखा जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इंसानों का फेज 1 ट्रायल जो होता है उसमें कुछ लोगों को दी जाती है, देखा जाता है कितनी सुरक्षित है और उनका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। फेज 2 में ये सैकड़ों लोगों को दी जाती है, यहाँ फिर ध्यान कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कितनी डोज होनी चाहिए, खुराक क्या होनी चाहिए। फेज 3 में ये हजारों लोगों को दी जाती है और यहाँ फिर ध्यान सुरक्षा पर, इस बात पर भी ध्यान कि साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ये कितनी कारगर है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 140 बड़ी कोशिशें हो रही हैं वैक्सीन बनाने के लिए। इसमें प्री क्लिनिकल स्टेज में 129, ह्यूमन ट्रायल फेज 1 में केवल 15, फेज 2 में 9, और 2 जगह ऐसी हैं जहां फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं, उसके बाद होता है अप्रूवल। सबसे आगे है इस दौड़ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी AstraZeneca की वैक्सीन वेक्टर। इसका फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल इंग्लैंड में हुआ, फेज 3 का ट्रायल अब हो रहा है साउथ अफ्रीका और ब्राजील में भी। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई अंत तक इसे अप्रूवल मिल जाएगी बाजार में, हालांकि थोड़े देर में आएगी। ICMR और हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड मिलकर बना रहे कोवैक्सीन।
स्वदेशी वैक्सीन COVID-19 के खिलाफ। इसमें ICMR के DG बलराम भार्गव ने चिट्ठी लिखकर बताया कि फिलहाल प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी चल रही है। ये भी कहा कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन बन जाएगी, हालांकि वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये असंभव है। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें अलग अलग जानवरों को ये वैक्सीन दी जाती है, उनका इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है इसके बारे में जानकारी न तो कंपनी ने दी है और न ही ICMR ने। पत्र की चेतावनी भरी भाषा, समय सीमा और जल्दबाजी पर भी कई वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हमारी जग हसाई हो रही है और साइंस की दुनिया में भारत को गंभीरता से लिया जाता है। सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं वो है कि हर बार मन मुताबिक परिणाम नहीं निकलते। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है और सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा और वैक्सीन की प्रभावशीलता पर होना चाहिए। खुद हैदराबाद की दवा कंपनी भी कह चुकी है कि फेज 1 और फेज 2 के परिणाम अक्टूबर तक ही आएंगे। ध्यान रहे कि फेज 3 और होता है इसके बाद। कुल मिलाकर आशावादी होना अच्छी बात है, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, उम्मीद से भरा होना अच्छी बात है, लेकिन इस बारे में सरकार ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं वो सवालिया निशान खड़े करती हैं। इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 16 मई तक देश में कोविड के मामले 0 रह जाएंगे। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये चार्ट भी उसमें दिखाया गया। असलियत आप जानते हैं, साफ है कि अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उम्मीद से रहना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप भी अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें। पिछला वीडियो था इसराइल और ईरान का, मैंने सभी कमेंट पढ़े और कई के जवाब भी दिए। भाषा में संयम के लिए धन्यवाद। या नहीं तो आप चाहें तो ट्विटर पर मुझे संदेश करें, वहां मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। नोट कर लें, होगी बात। ABP News आपको रखे आगे।